अलग अलग करते हैं और इस तरफ सुखाते हैं ये लोग। जितनी आप लोग लेडीज लोग देख रहे हो ये देख सकते हैं, अभी ये लोग छून के वगैरह इसको साफ करके एकदम धो के रख दिए और थोड़ी देर के बाद ये लोग सुखाएंगे। ये जितने भी आप लोग लकड़ी का देख रहे हो ये सब इसके ऊपर मच्छी सुखाया हुआ है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ड्राई फिश मार्केट है, जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो ये ड्राई फिश है गाइस। अरनाला के अंदर लोग इस तरह सुखाते हैं, तो वीडियो के साथ बनी रहे गाइस। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पूरा ये अरनाला बीच का ड्राई फिश दिखाता हूँ किस तरह यहाँ पे सुखाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा ये लोग सुखा के अभी अलग अलग करके चुन के लोग उसके बाद इधर सुखाते हैं ऐसा। देख सकते हैं किस तरह जो है लेडीज लोग यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के मेहनत करते हैं। उस तरफ बड़े साइज में है बूमबिल। हम लोगों ने गाइस शिवड़ी ड्राई फिश मार्केट के भी ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, मगर वहाँ पे गाइस आपको 220 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 200 के ऊपर ही मिलता है। और यही से सब माल सप्लाई होता है ऑल इंडिया के अंदर, कहीं भी ये लोग सप्लाई कर देते हैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ये देख सकते हो किस तरह जो है पूरी ये बोम्बिल है। ज़्यादा ड्राई फिश आपको यहीं पे मिलेगी, यहीं से बाहर मार्केट में बिकती है। ये देख सकते हैं ये भी सुखाने के बाद जो लोग बेचते हैं और ऊपर भी है। पूरी ये सूखी मच्छी है, ये लोग इस तरह सुखा के बेचते हैं और इस तरह जो है सुखाते हैं मच्छी। आप लोग देख सकते हो पूरा इस तरह भी बोम्बिल ही है। इस तरफ भी है गाइस। ये सबके मांदीली वगैरह है और इस साइड भी झींगा वगैरह है। पूरे मुंबई के अंदर ऐसे जो है सूखा मच्छी ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे जाता है सब। जो बड़े बड़े रिटेलर्स लोग होते हैं जो वो लोग यहीं से खरीद के ले जाते हैं। जितना भी आप लोग मुंबई के अंदर शिवडी में हो गया और भी बोरुली वगैरह जितने भी शॉप है बड़े बड़े जहाँ पे ड्राई फिश मच्छी बेचते हैं वो लोग यहीं से खरीद के होलसेल भाव में बेच देते वो लोग। मच्छी सुखवायला किती दिवस लागतात ती सुखायला? दोन दिवसामध्ये सुकणार? अच्छा, तीन दिन में सुख के पूरा। हाँ अच्छा, तीन दिन में पूरा सुकने वाला है मच्छी। आणि मावशी का रेट विकता तुम्ही बाजारामध्ये बाहेर मार्केटमध्ये? आता ही बोंबिला आहे, ही काय रेट विकणार मार्केटमध्ये सुकल्यानंतर? 250। देख सकते गाइस ये लोग सुकने के बाद यहाँ से 100 रुपये किलो बेचते हैं। किलो का कितना होएगा, कैसे किलो से? आता बॉम्बेमध्ये कसं आहे माहिती आहे का, 250 रुपये 300 रुपये रेट चालू आहे किलोवर। शिवडी आहे आपलं, शिवडी होलसेल। तो चलिए मौसी से बात करके अच्छा लगा, थोड़ी सी जानकारी मिली हमें भी। ये नीचे आप लोग अभी ये बोम्बिल है, ये लोग ऐसा पानी में साफ करके धो के इसको टंगाते हैं वापस इस लकड़ी के ऊपर। इस तरह बोम्बिल पूरा सूख के रेडी है, मतलब ये खाने लायक हो चुका है।
और इस तरफ भी है, तुम देख सकते हो पूरी इस तरफ मांदेली। अगर आप लोग गाइस मुंबई के अंदर कहीं भी रहते हो तो आप लोग इस अर्नाला मच्छी मार्केट से सूखा मच्छी खरीद सकते हो। आपको यहाँ पे होलसेल भाव में मिलने वाला है, जो आप लोग बाहर शॉप से खरीदते हो उससे भी सस्ते में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वो जितने भी शॉप वाले डीलर्स लोग वो लोग यहीं से खरीदते हैं और अपनी शॉप पे लोग बेचते हैं। ये आप लोग देख सकते हो करली वगैरह है उस साइड में। गाइस अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और की तरह मैं आपको माँ की कसम तो नहीं दूंगा, मगर मेरी थोड़ी सी मेहनत देख के आप लोग प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तरफ भी गाइस गीला बोमबिल है, ये लोग इसको भी सुखाएंगे यहाँ पे। और इस तरह आप लोग जितनी भी गोनी देख रहे हो उसके अंदर सूखी मच्छी है, झींगा वगैरह हो गया, ये लोग इसी तरह भर के रखते हैं यहाँ पे और मार्केट में बेचते। ज़्यादा करके बरसात में बहुत बिकता है, बरसात में जो इसका रेट है एकदम ज़्यादा रहता है। ये देख सकते हो इस तरफ पूरी मांदेली, ये जितनी आप लोग सामने की तरफ देख रहे हो बाटली वहाँ तक पूरी मांदेली है। ये मच्छी देख सकते हैं, ये मच्छी कौन सी है? अगर आप लोगों का इसका नाम पता है तो गाइस आप लोग कमेंट में बता सकते हो। देख सकते हो इस तरफ भी है पूरी सूखी मच्छी है। उसका मुंह देख सकते हो, इसके दांत देख सकते हो। ये मांदेली पूरी सूख के रेडी है, अभी लोग इसे मार्केट में बेचेंगे बाहर। मौसी कहाँ भाव बैठना रे, कैसा भाव मिलेगा? हाँ कहाँ भाव बैठना? 100 रुपया कितनी? 100 पीस। अच्छा 100 पीस म्हणजे 1 किलो होईल का नाही होणार? नाही होणार। अच्छा ही पुरी मांदेली आहे। ₹100 में 100 पीस मिलने वाला है मांदेली। ये झींगा है ना भाई, करली है, करली है। मतलब इसको सुखा के क्या रेट बेचते हैं आप लोग? कितना? 160 रुपए किलो। अच्छा ये करली मच्छी है गाइस, इस तरह पे सुखा के लोग जितने भी डीलर्स लोग रहते शॉप वाले बोरुली वगैरह शूरी स्टेशन से वगैरह वो लोग यहीं से मच्छी खरीदते हैं पूरी। इस तरह यहाँ पे पूरा ड्राई फिश का सुखाया जाता है यहाँ पे ड्राई फिश। मौसी बोम्बिल है ना, सुखाएगा ना इसको अब? अभी सुखाने का, अभी लगाने का। अच्छा कितने दिन में सूखता है? 3 दिन में। अच्छा सूखने के बाद मतलब क्या रेट बेचते हैं आप लोग इसे बाजार में? क्या रेट? वो सब होलसेल में वो देता। अच्छा सब ये लोग सुखा के होलसेल में बेचते हैं। देख सकते हो एक फ्रेश, एकदम फ्रेश है ये बोम्बिल है। इस
उस तरफ जो है सूखा हुआ मौसी अलग अलग कर रहे। मांदी ले ना मौसी, हाँ मांदी ले गाइस। इस अरनाले गांव के लेडीज लोग भी यहाँ पे मच्छी का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आप लोग भी इस अरनाला मच्छी मार्केट में विजिट कर सकते हो गाइस। यहाँ पे आपको एकदम चीप प्राइस में मच्छी मिलने वाला है, सूखा मच्छी। ये बहुत बड़ा सूखा मच्छी यहाँ पे सूखा जाता है गाइस, एकदम वो साइड से लेके पूरा मतलब कम से कम 1-2 किलोमीटर के दायरे में सब सुखा जाता है मच्छी। और इस तरफ भी जो है एक मौसी सुखा रहे है करली। तो गाइस मौसी बोल रहे थे वो 100 रुपए में 100 बुम्बिल मिलने वाला है, मतलब एक रुपए का 1 बुम्बिल पड़ेगा आपको। देख सकते हो आप लोग, ये आपको 1 रुपए में 1 बुम्बिल पड़ने वाला है। मच्छी मच्छी सूखी मच्छी। सबसे ज्यादा सूखा मच्छी यहीं से निकलता है, इसी मार्केट से निकलता है। मुंबई के अंदर जितने भी शॉप वगैरह है और मुंबई के बाहर भी आउटडोर में भी यहीं से माल बिकता है। और इस तरफ भी है पूरा, इस तरह लोग सुखाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये इस तरह सूखने के बाद इसको इस तरह पलटी मारते हैं, दोनों साइड से सूखने के बाद ये लोग स्टॉक करके रखते हैं एक रूम के अंदर, उसके बाद लोग धीरे धीरे मार्केट के अंदर बेच देते हैं। देख सकते हैं इस तरह ये लोग यहाँ पे चुन के अलग अलग करते हैं और इस तरफ सुखाते हैं ये लोग, जितने आप लोग लेडीज लोग देख रहे हो ये देख सकते हैं। अभी ये लोग चुन के वगैरह इसको साफ करके एकदम धो के रख दिए और थोड़ी देर के बाद ये लोग सुखाएंगे। ये मांदनी भी आप लोग देख सकते हो, इधर पर जो आप लोग प्लास्टिक का ताड़पत्री देख रहे हो इसके ऊपर ये लोग सुखाएंगे। ये काफ़ी मतलब बड़ा यहाँ पे मार्केट है, मतलब बड़ा एकदम ये लोग बड़ी तरीके से लोग सुखाते हैं यहाँ पे, एकदम ज़्यादा ये लोग सुखाते हैं। इसके ऊपर भी है देख सकते हो, इसके ऊपर ये मांदेली है। आप लोग देख सकते हो ये बांगड़ा, आप लोग देख सकते हो बांगड़ा वगैरह है, मांदिली है। और इस तरफ करली बोलते हैं इसके, करली है। ये सूखने के बाद जो है गाइस महंगा बिकता है, ये लोग सुखा के बेचते हैं। और आप लोग भी सूखी मच्छी खाना पसंद करते हो, ड्राई फिश मच्छी, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, आपको यहाँ पे होलसेल भाव में मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ से आप लोग पूरा लुक देख सकते हो, ये जितने भी आप लोग लकड़ी का देख रहे हो ये सब इसके ऊपर मच्छी सुखाया हुआ है। ये पूरा आप लोग देख सकते हो, और ये यहाँ का बीज है फिलहाल, तो अभी इस बीज का काम चल रहा है गाइस। देख सकते हो कितना बड़ा ये मार्केट है और किस तरह लोग सुखाते हैं मच्छी। और ये समुद्र किनारा है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा।
देख सकते जितना भी आप लोग लकड़ी का देख रहे हो, इसके ऊपर पूरी सूखी मच्छी, गीली मच्छी जो है सुखाते हैं किस तरह। ये देख सकते हो और भी मच्छी आई हुई है यहाँ पे, ये लोग इसे खरीद के यहाँ पे सुखाते हैं, गांव वाले लेडीज लोग जितनी भी है, और सूखने के बाद वो लोग मार्केट में बेच देते हैं। ये देख सकते हैं ज़्यादा करके गाइस यहाँ पे छोटी साइज की मच्छी आती है यहाँ पे। तो गाइस ये आप लोगों को ड्राई फिश वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप लोग भी इस अर्नाला बीच पे आ सकते हो, आपको यहाँ पे काफ़ी चीप प्राइस में ड्राई फिश मच्छी मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे कैसे आना है क्या आना है तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया हूँ कि यहाँ पे विरार स्टेशन से कैसे आना है क्या आना है, तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हो गाइस। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।